ईद उल अजहा के मौके पे सिवान के ईदगाह में हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम भाई और नमाज अदा किया। वहीं इस मौके पे हिंदू भाई भी बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे और हिंदू मुस्लिम आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बकरीद की बधाइयां दी। और दूसरा गोष्ठ है आपका कि अगर कोई ऐसा आपके घर का फर्द है जो मरने से पहले वसीयत आए तो आप लोग तेजी के लिए वक्त बहुत क्यों निकालते नेता हमने कहा 50 के लिए आपके मामले कैसे हम लोगों का पूरे हिंदुस्तानियों का कहिए भारतीयों का हमारे मुसलमान भाइयों का सबसे पवित्र पर्व है। इस पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सारे हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखते हुए सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के ये पर्व को मनाएं। यही हमारा भाईचारा बरकरार रहे, आपसी सौहार्द बरकरार रहे। आज यहाँ आप ईदगाह में आए हुए हैं, गले मिल रहे हैं, भाईचारगी का संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कोई शब्द नहीं है कि शब्द में इसको आंका जाए। इतना सुंदर लग रहा है कि इसकी कोई तुलना नहीं है। हम चाहेंगे कि सारे हमारे हिंदू भाई हर हमारे मोहम्मद भाई के पर्व में आकर गले से गले मिले। इससे हमारी सामाजिक सौहार्द और बढ़ेगी, कौमी एकता और हमारी बढ़ेगी और इसकी कुछ अलग ही आपको अनुभूति हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी भाई अगर यहाँ आना चाहे आकर के आपसी सौहार्द बनाए, इससे अलग ही अनुभूति होगी आपको। बहुत खुशी की बात है। बताइए आज बकरीद के मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बकरीद बहुत ही हर्ष उल्लास के पर्व है और ये पर्व ये बताता है कि सिवान में हिंदू एकता का प्रतीक है। देखिए बहुत गले गले लोग मिल रहे हैं और ये पर्व संदेश देता है कि हम लोग किस तरह आपस में मिलत रहे। अगर इस तरह का पर्व होता है साल में एक बार, जैसे ईद में होता है, जैसे बकरीद में आपस भाईचारा बनता है। निश्चित तौर पर सिवान से संदेश पूरे देश में जाता है, बिहार में जाता है और सिवान ही एक स्थापित जगह है। कैसा लग रहा है हिंदू मुसलमान सबको एक साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बकरीद का नमाज अदा किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बकरीद जो है वो एक संदेश का त्यौहार है, त्याग और कुर्बानी का, कि अपने सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह के राह में कुर्बान करना। इसके अंदर मतलब इंसान के अंदर एक फ्लक्चुएशन होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर सिचुएशन के हिसाब से आदमी अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान कर सके अल्लाह के राह पे। तो ये एक संदेश भी है, एक प्रेम का संदेश है लोगों के लिए। सबके त्यौहार है, मिलजुल के सबको रहना है, सेलिब्रेट करना है और इसके थ्रू आदमी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह से दुआ करता है अपने आने वाले ज़िंदगी के लिए, अपने मुआशरे के लिए, सबके लिए, सबकी बेहतरी हो, सबकी भलाई हो सके। यही तो एक त्यौहार है, एक चीज़ है जिससे लोग मिलजुल के मिलाते हैं, मिल मोहब्बत बढ़ता है लोगों के बीच। कहना चाहेंगे बकरीद के मौके पर? हमारे सिवान की ये परंपरा रही है कि हम हर त्यौहार, हर पर्व बड़े धूमधाम उल्लास के साथ और सौहार्द के साथ करते हैं और बकरीद के मौके पर हम लोगों को बधाई देते हैं और बुजुर्ग भविष्य की कामना करते हैं।